Hey guys, welcome back another video of graphic design in Photoshop. अक्सर हम लोग बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि ज्वेलरीज का कितना अच्छा अच्छा पोस्टर्स लगे हुए होते हैं और हम लोग का ये इमेजिन होता है यार ये बनता कैसे है, बनाया कैसे जाता है, ठीक है। और अगर ऐसी अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग साइज ले लेंगे, 20x10 होर्डिंग का डिजाइन करेंगे, 200 पिक्सल्स रहने देंगे, आरजीबी में डिजाइन करेंगे, आरजीबी रहने देंगे, क्रिएट कर लेते हैं। ये आएगा साइज अपना, अपने पास में वो तो बैकग्राउंड है, एक मॉडल है। चलिए सबसे पहले मॉडल ले आते हैं, प्लेस कर देते हैं इनके मॉडल। अगर आपको ज़्यादा अगर क्रिएटिव अगर डिज़ाइन को दिखाना हो तो एक चीज़ पे हमेशा गौर कीजिएगा कि अपना जो मॉडल है उसी से मिलता जुलता फोटो या बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया जाए, ठीक है। वो अक्सर आप कोशिश कीजिए कि फोटो से ही निकालने का। तो चलिए मैं मैक्स यहाँ पे एक बॉक्स ले लेता हूँ। अब इसमें फोटो में रेड दे देता हूँ, ये फोटो के अनुसार मिला नहीं तो इसका जो है मैं कलर ये पिक कर लेता हूँ। ये क्या है, इसको मैं चाहता हूँ हल्का मर्ज कर देना चाहता हूँ इसको, इस यहाँ पर जो है इसको ओपेसिटी में डाउन कर देता हूँ 36 यस। अब मैं इसको थोड़ा ऐसे मर्ज कर देता हूँ, ठीक है मर्ज हो गया। अब अपना बैकग्राउंड ले आता हूँ मैं, मैंने ये बैकग्राउंड मैंने सिलेक्ट कर रखा था, मैं इसका सिर्फ टेक्सचर का यूज करने वाला हूँ। कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं, इसको नीचे ले आते हैं मॉडल से नीचे। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका ओपेसिटी में थोड़ा कम कर देते हैं और थोड़ा कम कर देते हैं इसका ओपेसिटी को, ये हो गया। अब एक और बैकग्राउंड रखे थे उसको ले आते हैं हम लोग, ये इसका काम क्या है, इसका काम है सिर्फ प्रोडक्ट को फोकस करना। कर लेते हैं इसको, अब इसको जो है इसका साइड से मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा फोकस मिल गया। अब मैं ज्वेलरी ले आता हूँ, अब इसको ऐसे नहीं रखना है, इसको हम बड़ा कर देंगे ऐसे करके, इसको बड़ा कर देंगे, इसको एकदम हल्का देंगे हम ऐसे, ये हो गया। इसमें थोड़ा सा ड्रॉप शैडो यूज करेंगे, ओके ड्रॉप शैडो हमने यूज कर लिए।
थोड़ा सा इसका जो है साइज को थोड़ा और बिगर करते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसका नाम ले लेते हैं, दुकान का नाम। जैसे चलिए दुकान का नाम हमने ब्राइड होम रखा है। ओके ब्राइड होम, इसको बड़ा कर देते हैं। आप अपने अनुसार जो भी आपको अच्छा लगे फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जो ज्वेलरी में जो फॉन्ट यूज़ होता है वो काफ़ी फॉलोइंग फॉन्ट यूज़ होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक दो फॉन्ट हम लोग देख लेते हैं कौन सा अच्छा लगता है। ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है इसका, तो हम यही फॉन्ट यूज करेंगे। थोड़ा सा इसको नीचे दे देते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें आउटर देने वाला हूँ, इसको ये कर देते हैं। अब इसका जो टैगलाइन है वो टैगलाइन ले आते हैं, यहाँ पे टैगलाइन यूज कर देंगे। टैगलाइन का फॉन्ट थोड़ा सिंपल कर देते हैं लाइक दिस। ओके यस, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, देखिए। ओके अब इसमें क्या करना है, अगर आपको इसका बेहतर लुक दिखाना है तो थोड़ा सा ड्रॉप शैडो यूज कर देते हैं इसमें। ड्रॉप शैडो छोटा फॉन्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा है, इसका ओपेसिटी डाउन कर देते हैं, इसका लेंथ भी थोड़ा डाउन कर देते हैं। नहीं हो गया, इसका नाम में भी यूज़ कर देते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि बड़ा फॉन्ट है, ले लेगा थोड़ा बड़ा। ओके ये हो गया। अब और भी अपने पास जो कंटेंट है वो सब ले आते हैं। मेन कंटेंट अपना क्या है, ये फ्लैश सेल, फ्लैश सेल फ्राइडे करते हैं। कोई हम लोग नॉर्मल फॉन्ट देख लेते हैं, इसका फॉन्ट में जाएंगे। हमने इसमें सिंपल फॉन्ट को यूज करना है, इसको कैप्स में डाल देते हैं। कर देते हैं इसमें इतना। ओके दूसरा ले आते हैं, सेव 20%। इसको थोड़ा सा फॉलोइंग फॉन्ट यूज कर सकते हैं लाइक थोड़ा कर्सिव फॉन्ट में, और ना भी कर सकते हैं। डिसेंट अगर दिखाना है तो नॉर्मल फॉन्ट ही रहने दीजिए, अदरवाइज को कर्सिव भी यूज कर सकते हैं, अच्छा लगेगा कर्सिव भी इसमें। तो चलिए कर्सिव फॉन्ट भी देख लेते हैं इसमें। चलिए इसको यूज कर लेते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। और इसका जो कलर है वो हमने येलो यूज कर देना है।
ओके ये हो गया, बाकी कंटेंट को ले आते हैं, कॉपी करेंगे, अल्ट दबा के अगर उसको बुलाते हैं तो कॉपी हो जाता है ऑन सिलेक्टेड आइटम्स। इसका क्या करना हो, थोड़ा सा जो है फॉन्ट का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा देंगे, तो वो कैसे होगा यहाँ पे देखिए, ये लिखो ये इसको 30 200 कुछ नहीं हुआ, 300 यूज कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, एक साइड अच्छा नहीं लग रहा है इसको सेंटर में कर देते हैं ये, और इसको भी सेंटर में कर देते हैं। ओके अब इसका जो है हम लोग इसको हम लोग ऐसे करके इसको साइड में यूज कर सकते हैं ऐसे, ओके ये हो गया। अब ले आते हैं दूसरा आइटम, एक छोटा सा एक मैसेज दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं डिजाइन के बारे में, तो दे देते हैं इसको ऐसे। अब ले आते हैं यहाँ पे दे देते हैं बाय नाउ ले आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सही सेट कर लेते हैं, ये जो फॉन्ट है ये इसको अपर लोअर रख देते हैं, और इसका जो है फॉन्ट में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा फंकी फॉन्ट ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ओके इसको दूसरा ले आते हैं, फॉर मोर डिटेल्स पेस्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, इसके लिए एक बॉक्स बना देते हैं, इसका पेस्ट थोड़ा बाई से नीचे कर देते हैं। अब बाई नाम का जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लैक फिल कर देते हैं ब्लैक, इसी के सीक्वेंस में इसको मिला देते हैं,
इसके लिए हम पेन टूल ले लेंगे। कोई से भी एक ब्रश ले लेंगे। इसे करते हैं इसको। फिल को नन कर देंगे और आउटलाइन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे इतना। ओके, अब इसका जो है इसमें ड्रॉप शैडो यूज कर देंगे इतना। वेरी गुड, बॉक्स बन गया। सब में एक एक करके ड्रॉप शैडो फिल कर देंगे। अब इसका क्या करेंगे कि एक आउटलाइन हम लेंगे यहां से, इसको आउटलाइन में इसको कवर कर देंगे, इसको नन कर देंगे और इसको फिल डाल देंगे और इसको जो है बढ़ा देंगे इतना। कम कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इतना। अब इसमें भी मैं ड्रॉप शैडो में यूज़ कर दूँगा इस वाले बॉक्स में। दोनों को थोड़ा सा इसके हिसाब से नीचे कर देते हैं, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। तो इसमें फाइनल टचअप देने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ऊपर से एक ब्लैक लेयर ले लेता हूँ, इसमें ग्रेडियंट फिल कर देते हैं। ग्रेडियंट मैं देख लेता हूँ, ये वाला ग्रेडियंट ले लेता हूँ, ये फिल कर दें, ये वाला ग्रेडियंट लेके रिवर्स में फिल कर देता हूँ। फिर इसको जो है थोड़ा सा इसमें मैं इसे मर्ज कर देता हूँ। देख इनका डिजाइन बन के फाइनल हो गया, ये हो गया डिजाइन। ऐसे और डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।